नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के लोग अलग अलग मिठाइयों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और शौकीन भी होते हैं। ऐसे में कुछ मिठाइयां ऐसी भी हैं जो स्थानीय स्तर पर बहुत ज्यादा ही लोकप्रिय है, लेकिन ये हर जगह मिलती नहीं है। ऐसी ही मिठाइयों में एक है भोजपुर के उदवंत नगर का खुरमा, गया का तिलकुट और सीतामढ़ी जिले का स्वादिष्ट बालूशाही, जिन्हें ही अब दुनिया भर में पहचान दिलाने की कोशिश शुरू हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसको लेकर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने बिहार के इन उत्पादों के लिए GI टैग की मांग करने वाले निर्माताओं उत्पादक संघों की सुविधा के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। नाबार्ड बिहार के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार की माने तो हम खुरमा, तिलकुट और बालूशाही के लिए GI टैग की मांग करने वाले निर्माता और निर्माता संघों को सहायता प्रदान करने का काम कर रहे हैं। कुमार की माने तो इसके लिए निर्माता जल्द ही इन उत्पादों के लिए GI रजिस्ट्री के लिए चेन्नई में आवेदन करना होगा। मुख्य महाप्रबंधक की माने तो भोजपुर का खुरमा भी विदेशियों को काफी पसंद आता है, जो अंदर से मिठास के साथ ही काफी रसीला भी होता है और स्वाद जीभ से मन तक को संतुष्ट कर देती है। महाप्रबंधक की माने तो ऐसा ही हाल प्रसिद्ध तिलकुट का भी है। तिल और गुड़ से बना अनोखा तिलकुट देश के बाहर भी काफी लोकप्रिय है। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर इलाके की स्वादिष्ट मिठाई बालूशाही भी देश में बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने ही बताया कि हम उत्पादक संघ के पंजीकरण की प्रक्रिया में है, जो कि 3 उत्पादों के लिए GI पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले हैं। नाबार्ड बिहार ने GI के तहत पंजीकृत होने के लिए खुरमा, तिलकुट और बालूशाही सहित क्षेत्र के 6 संभावित उत्पादों की पहचान कर ली है। नाबार्ड ने इससे पहले बिहार में हाल ही में GI रजिस्ट्री को 3 आवेदन दिए हैं, जिनमें हाजीपुर के प्रसिद्ध चिनिया किस्म के केले, नालंदा की लोकप्रिय 52 बूटी साड़ी और गया के पत्थरकट्टी स्टोन क्राफ्ट के GI टैग की मांग की गई है। GI पंजीकरण ने बिहार मखाना का नाम बदलकर अब मिथिला मखाना करने की याचिका को भी स्वीकार कर लिया है। बिहार के कतरनी चावल, जरदालू आम, शाही लीची, मघी पान और सिलाव का खाजा को पहले ही GI टैग मिल चुका है। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि GI टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसका प्रयोग एक ही समुदाय कर सकता है, जैसे ओडिशा के रसगुल्ला के लिए जो लोग को मिला है उसका इस्तेमाल रसगुल्ले के डिब्बे पर सिर्फ ओडिशा के लोग कर सकते हैं। GI टैग 10 साल के लिए मिलता है, हालांकि इसे रिन्यू भी करा सकते हैं। GI टैग मिलने से उत्पाद का मूल्य और उससे जुड़े लोगों की अहमियत बढ़ जाती है। फेक प्रोडक्ट को रोकने में भी मदद मिलती है और संबंधित लोगों को इससे आर्थिक फायदा भी होता है, जिसके बाद ही अब GI टैग की सूची में 3 और नए मिठाइयों को जगह मिलने वाली है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।